yesterday we studied about the function of central bank. Today we are going to learn the technique of credit control. Here credit control means money supply and economy. How the central banks, RBI, they control over the supply of money. So there are two measures here. One measure is quantitative measures, one measure is qualitative measure. In qualitative measures, what they do, they take such kind of monetary policy they make, that affects to for the entire economy. That goes for the entire economy. To this technique, there are some points like yield and cost, CRR, cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, and LRR, legal reserve ratio, and repo rate, bank rate, reverse repo rate, and open market operation. These are the techniques basically, and due to these techniques, RBI Central Bank, they are able to control the quantitative measures. तो ऐसा कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न हियर, जब हम अपनी इकोनॉमी में देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. में डिमांड जब ज़्यादा होता है सप्लाई से, जस्ट हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास 100 केजी मैंगोज है, मार्केट में डिमांड 200 केजी हो रहा है. तो जब ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, दैट मीन्स एक्सेस डिमांड है. तो एक्सेस डिमांड हो जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता है, ये मार्केट में इन्फ्लेशन लेकर आता है. क्या होता है, इन्फ्लेशन लेकर आता है. इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, इसे मेजर यूज़ करता है. इसी आधार को कम करता है, एस एल आर को यूज़ करता है, एलआर बैंकिंग सिस्टम में ये सारे सिस्टम को यूज़ किया जाता है. तो हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई का भी ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा मार्केट में, डिमांड कम है, ये इसमें डिफिशियंट डिमांड कहलाता है. यानी डिमांड कम हो रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ये मार्केट में क्या लेकर डिफ्लेशन लेकर आता है. हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति. जब पैसे का प्राइस कम हो जाता है, जैसे सौ रुपये में पहले 5 केजी पोटैटो मिलता था, अब उसी 100 रुपये में 3 केजी पोटैटो मिल रहा है. मीन्स यहाँ पे पैसे का वैल्यू गिर गया, कम हो गया, इन्फ्लेशन आ जाता है. यानी जब ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगता है लोगों का, तो ये एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए ऐसे मेजर आरबीआई लिया जाता है. हमें सिचुएशन मार्केट इकोनॉमी में बैलेंस करने के लिए हमारे इक्विलिब्रियम कम है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा हुआ, एग्रीगेट सप्लाई है. तो ये सब करने के लिए सब टेक्निक यूज़ करता है. तो हम लोग क्वालिटी मेजर जान पड़े, सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशियो. यहाँ पे ऑलरेडी ये डिफाइन करता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी सेंट्रल बैंक फिक्स कर देता है कमर्शियल बैंक को कि आपको इतना अमाउंट क्या करना है, हम आपका कस्टडियन ऑफ बैंक है, आपका मुझे गारंटी देते हैं, आपको मुझे इतना पैसा देना होगा. यानी कैश रिजर्व रेशियो फिक्स होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा. तो सीआरआर जो फिक्स होता है, इससे जो कमर्शियल बैंक को जितना भी डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज, जैसे अभी एग्जाम्पल 4% जितना भी उसका डिपॉजिट हो रहा है कमर्शियल बैंक का, 4% जो है सेंट्रल बैंक को जाकर जमा कर देना है, सेंट्रल बैंक के खाते में चला जाएगा 4%. इससे जो है बैंक का पैसा, जो कमर्शियल बैंक है उसका पैसा क्या होता है, वहाँ पर जाकर फिक्स हो जाता है, उससे ना इंटरेस्ट मिलता है ना कुछ मिलता है, ये रिजर्व रहता है किसके साथ, ये सेंट्रल बैंक के साथ. ये जो है कस्टडी ऑफ बैंक है. कभी हम लोग देखा कि फंक्शन ऑफ इसमें कि रेट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है बैंक के साथ, कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर हो जाता है, उसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है, यहाँ से जाकर लोन ले सकता है सेंट्रल बैंक से. दूसरा बात देखें हम लोग यहाँ 4% चला गया, इससे अलग सलाह बोलते हैं स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो. एक ऐसा रेशियो है, सभी सेंट्रल बैंक में क्या करता है, कमर्शियल बैंक को बताता है कि आपको इतना रेशियो रखना है. यानी जो है आपको जो डिपॉजिटर है, जितना डिपॉजिट हो रहा है उसका कम से कम 20% ये सलाह रखना है. हमेशा जो है वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है. तो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो ये लगभग जो है 20% 90% ऐसे अलग किया जाता है. ये सलाह रखने के लिए रखा जाता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर कस्टमर्स. यानी कस्टमर देखें आप फॉर द मनी, देखें विड्रॉ द मनी इजली, ये स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो बताता है. इस ये पैसा को यूज़ किया जा सकता है. ये सलाह को बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक अपने कुछ पर्पज के लिए, कुछ फायदे के लिए यूज़ किया जाता है. यानी लिक्विडिटी फॉर्म में इसको रखा जाता है. लिक्विडिटी फॉर्म में कैसे रख सकता है कमर्शियल बैंक, जैसे कि एग्जाम्पल गोल्ड में कुछ पैसा बचा हो कमर्शियल बैंक के पास, तो गोल्ड में उसको जो इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि गोल्ड से आसानी से कन्वर्ट कर सकता है जब भी जरूरत हो. इससे जो है सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की जो बॉन्ड सिक्योरिटी जो होती है उसको खरीद सकता है, या जो है शेयर खरीद सकता है. ये सब क्या है कि अच्छा सटीक है, हम लोग जो है बहुत इमीडिएटली इसको हम लोग कैश कर सकते हैं. इसी को जो है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं. ये 20% हमेशा फिक्स रखा जाता है कमर्शियल बैंक का, जितना एलआरआर बोलते हैं, एलआरआर बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो. इन दोनों को मिला के सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक का करता है सेंट्रल बैंक में जमा करता है, आईएसआरआर जो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए रखना पड़ता है कस्टमर के लिए 20%, ये दोनों को मिला के जो है क्या बनता है, एलआरआर बनता है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो बोलते हैं. इतना जो जमा रखना है कमर्शियल बैंक के लिए. आगे हम लोग बात किया था, कल हम लोग रेपो रेट की बात करते हैं, रीड परचेज रेट. रेपो रेट बैंक क्या करता है कि कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, इसको
सेंट्रल बैंक लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो रेपो रेट क्या होता है हमेशा जो शॉर्ट पीरियड में लिया जाता है कमर्शियल बैंक लोन को, सेंट्रल बैंक दिया शॉर्ट का लोन, ये जो उसको लोन लेता है, जैसे सेंट्रल बैंक क्या करता है लोन देता है हमारे कमर्शियल बैंक को 8% पे, ठीक है, ये जो सेंट्रल बैंक दिया कमर्शियल बैंक क्या करेगा 10% पे सीआरआर जो रेपो रेट है 10% पे कस्टमर को देता है। ऐसे मान लीजिए 17% ये अगर महंगा हो जाए रेपो रेट जो है शॉर्ट पीरियड के लिए जैसे एक मंथ के लिए दो मंथ के लिए जो है बैंक कमर्शियल बैंक जल्दी लेती है, अभी अगर महंगा कर देती है मार्केट में जब सेंट्रल बैंक के पैसे बहुत ज़्यादा बाजार में हो गया तो इसको महंगा कर देगा 8% से मान लीजिए 10% बढ़ा दिया, अभी कमर्शियल बैंक क्या करेगा 12% पे देगा, तो कस्टमर के लिए महंगा लोन हो जाता है, जब महंगा लोन हो जाएगा तो डिस्करेज करेगा लोन, मार्केट से सप्लाई जो मनी का कम हो जाएगा ऑटोमेटिक वहाँ पर कटडाउन हो जाता है, तो ये सब टूल यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा। एक होता है बैंक रेट, बैंक रेट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म है 1 साल 2 साल 5 साल के लिए लोन देती है, इन दोनों में यही फर्क है, रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है 2-4-10 दिन के लिए 1 महीना 2 महीने के लिए, और बैंक रेट जो है 1 साल 2 साल के लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, तो हमेशा सब टूल यूज़ किया जाता है, सभी मिस्टेक होता है कि जब जो है मनी ज़्यादा सप्लाई हो गया इन्फ्लेशन मार्केट में हो गया महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया ये सब टूल को कम किया जाता है, जैसे आप इसकी आरआर भी कम कर सकते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो बोला 4% है तो बैंक क्या कर रहा 4% और भी जमा कर रहा, अब बोले पैसा बहुत ज़्यादा हो गया सब कमर्शियल बैंक के पास, लोगों के पास सप्लाई ज़्यादा हो रहा, सीआरआर को आरबीआई बढ़ा देता है, बोलता है आपको 5% जमा करना होगा, 5% जमा करना पड़ा 1% के बजाय कर करोड़ों रुपये लोगों के पास जमा होता है डिपोजिट होता है, और उसका जो कितना पैसा जो है उसके पास पैसा जो है वहाँ जमा होगा सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व हो जाएगा, इसके पास पैसा कम हो जाएगा कंपनी सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा टूल्स थ्रू विच बैंक्स और बाकी एक बैंक रेट हम लोग को समझ पा गया कि बैंक रेट हम लोग क्या होता है कि रेपो रेट की तरह ही होता है, सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को लोन देती है लेकिन लोन लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है और इसके थ्रू भी कंट्रोल करता है, ये सारे टेक्निक यूज किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट के अंदर उल्टा होता है रेपो रेट का, रिवर्स में उल्टा हो जाता है, तो अपोजिट कैसे होता है रिवर्स रेपो रेट कि कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड आ जाता है ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो पैसे को क्या करता है सेंट्रल बैंक के साथ जाकर सेंट्रल बैंक में जमा कर देता है, तो अगर जिसकी इंटरेस्ट रेट उसको मिलता है इंटरेस्ट रेट अच्छे ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा कमर्शियल बैंक ज़्यादा कोशिश करते हैं उम्मीद हम क्यों नहीं जमा करते, तो ये जो है वहाँ भी जमा कर देता है तो पैसे उसके पास कम हो जाता है, तो वहाँ भी जो है ये भी क्रेडिट कंट्रोल में काम आता है, रिवर्स रेपो रेट मेरी रेपो रेट पर ज़्यादा है, कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड को जाके सेंट्रल बैंक में जमा कर देती है, इसको हम रिवर्स रेपो रेट करता है, उसके बाद ये उसको इंटरेस्ट मिला करता है, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है कि गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी में सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कमर्शियल बैंक यूज करता है, जैसे कमर्शियल बैंक क्या करता है किसी से पैसा लेता है डिबेंचर यूज करता है, डिबेंचर एक कागज देता है लिख के देता है हमको जो है आप मुझे 10 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया में वो क्या करेगा बोलेगा हमको 1 साल के लिए हम 11 लाख देंगे आपको, एक इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देता है, तो वैसे गवर्नमेंट क्या करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में सभी के लिए ओपन रखता है, कस्टमर भी खरीद सकता है और जो है बैंक भी खरीद सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो होती है होती है, तो गवर्नमेंट क्या करता है एक तरह से अपनी सिक्योरिटीज को सिलेक्ट कर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो ये क्या करती है बाई एंड सेलिंग करती है सिक्योरिटीज को, तो गवर्नमेंट के अंदर हम लोग पढ़ा कि गवर्नमेंट का जो बैंक होता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है, वो एक एजेंट काम करता है बाई एंड सेलिंग और सिक्योरिटीज करता है, तो अपने सिक्योरिटीज को जब सेल करेगा बहुत सारे कमर्शियल बैंक दोस्तों लगता है कि हमको पैसे कमाना है दूसरे से हम लोग लोन ले रहे हैं क्यों नहीं इसका जो है सिक्योरिटीज खरीद दिया जाए, तो अब सिक्योरिटीज खरीद देता है, मान लीजिए बोलता है कि 10 लाख रुपया लो 6 महीने में आपका जो है 11 लाख हो जाएगा इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो सिक्योरिटीज जब होता है तो बैंक का पैसा उसके पास जमा हो जाता है, एक उसके बदले में उसको एक पेपर मिला जाता है जिसमें उसमें नोट किया जाता है, तो ओपन ओपन मार्केट ऑपरेशन में ज़्यादातर जो है मैजर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर कमर्शियल बैंक ही करते हैं, कमर्शियल बैंक का पैसा होता है ये लोग जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ज़्यादा से ज़्यादा खरीदता है, तो गवर्नमेंट की जब सिक्योरिटीज लेता है उसके बदले में 6 महीना 1 साल के लिए जितना दिन उसको पैकेज चाहिए एक फिक्स कर दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, उतना दिन के लिए उसके इन्वेस्टमेंट रहता है उसका उसका रिटर्न मिलता है जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है। दूसरी हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर में हम लोग देखें इसमें जो सिलेक्टेड सेक्टर के लिए पार्टिकुलर सेक्टर के लिए क्वांटिटेटिव मेजर लिया जाता है, क्वांटिटेटिव मेजर में हम लोग देखा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है एक मोरल सुजन होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक क्या करती है कमर्शियल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट तय करती है लोन देने के लिए, जैसे
40% मार्जिन लगता है, गोल्ड जो है हमेशा प्राइस फ्लैक्चुएट होता रहता है, या एसेट है जमीन वगैरह की रेट जो है कम बेसी रहता है, तो बैंक फिक्स कर देता है कि हमको 20% जो है क्या करना है, अपना मार्जिन रखना है, तो 80,000 का लोन देते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, देखते हैं कि मार्केट में जो कुछ कुछ सेक्टर खास सेक्टर के लिए बनाया जाता है, लगता है रियल एस्टेट में जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पैसा ज़्यादा अभी हमें सेफ नहीं है, तो सेफ्टी को कम कर देता है, उसमें बढ़ा देता है मार्जिन। अब यहाँ पर मान लीजिए 20 जो है रियल एस्टेट में लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, 20% कर दिया, तो 1,00,000 का जमा कर सिक्योरिटी गोल्ड जमा कर रहा या उतना का वैल्यू का कुछ जमा कर रहा है तो 70,000 मिला, तो ये जब ज़्यादा महंगा हो जाता है मार्जिन ज़्यादा कर देता तो लोग डिस्करेज हो जाते हैं, लोग लगता है कि हमको लोन कम मिल रहा तो मार्केट में पैसा कम हो जाता है। मोरल सुविधा करते हैं, मोरल सुविधा मैंने बताया कि किसी को राजी करना परसुएट करना, तो मोरल जो है सेंट्रल बैंक क्या करते हैं डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कमर्शियल बैंक को कि देखो अभी जो सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन में आपको ये सब सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोन देना है, एक्स्ट्रा दिया जाता है, जैसे आपने कहा तो वैसा नहीं रहता कि मोरल सुविधा आपने मोरल ही बताया जाता है कि आपको जैसे अभी क्राइसिस का टाइम है तो बोल देता है कि अभी जो सिचुएशन है आपको एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना है, एग्रीकल्चर में मान लीजिए 20% जो है तय कर देगा, इतना सुविधा जो है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देना है, आपको जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हॉस्पिटल वगैरह की बहुत ऐसी जरूरत है फिक्स कर देता है, आपको जितने इतना जो हॉस्पिटल वगैरह है बता देता है कि जो है बहुत सी बिजनेस ऐसा है जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा, होटल का बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, पैसा वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है अभी उसमें सबसे देता है कि सब एरिया में सब सेक्टर को पैसा कम देना है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक दे सकते हैं, तो ये सब जो है मोरल सुविधा अपने आप से लोग करता है कि खास सेक्टर में कैसे कैसे, तो उसके इंस्ट्रक्शन जो है RBI का एपेक्स बैंक है, तो सारी कमर्शियल बैंक उनका बात उनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता पड़ता पाना जाता है, तो ये सारे टेक्निक हम लोग देखते हैं, लेकिन इसी के थ्रू जो है जो जो RBI गवर्नर होते हैं हमेशा जो अपने मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी में फिस्कल पॉलिसी में ये सब चेंजेस करते रहता है, कभी जो CRR करते हैं मनी बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो CRR बढ़ा देता है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाता है, सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है, मार्केट में लोन देने के लिए पैसा उसके पास कम हो जाता है, ये सारा आदमी देखते हैं स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो जमा करने का लोग देखते हैं 20% लगभग रखा जाता है, तो ये अगर चेक आउट इसी करिए और इसमें 1% 2% चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह कर बैंक के पास अपने लिक्विडिटी कंट्रोल खुद मजबूत जो है कम रिस्क हो जाता है, इसमें अगर चीज़ लग रहा है कि पैसा ज़्यादा रहा तो इसका को क्या करता है बढ़ा देता है, उस कमर्शियल के लिए ज़्यादा पैसा फिक्स रखता है, मान लीजिए 18% 20% अगर 2% उसका जो रिजर्व होगा वो पैसा तो लोन के लिए जाएगा तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, तो इन्फ्लेशनी गैप को डिफ्लेशन को मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ये सब टेक्निक यूज़ किया जाता है, लीगल रिजर्वेशन में लीगल कर देता है कितना पैसा आपको रखना ही रखना है, ये जो है सेंट्रल बैंक में रखना है, ये आपको अपने पास रखना है कस्टमर के लिए, कस्टमर को कभी दिक्कत ना हो, रेपो रेट में देखा हम लोगों ने कि सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन दिया करती है और इसके बदले में जो रेट जो इंटरेस्ट होता है वो अपना जो है फिक्स करता है सेंट्रल बैंक, वैसे बैंक रेट क्या होता है कि बैंक रेट में भी जो है एक लॉन्ग टर्म लोन दिया करता है कमर्शियल बैंक को, रिवर्स रेपो रेट में जब पैसा कमर्शियल बैंक पर ज़्यादा हो जाता है तो ये पैसा क्या करती है जब भी सेंट्रल बैंक में आती है उसके बदले में उसको जो है इंटरेस्ट मिलता है इसको तो रिवर्स रेपो रेट करते हैं। यहाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन में पढ़ा हम लोगों ने कि जैसे कंपनी वगैरह बॉन्ड सेल करती है वैसे गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट के पास खजाने में क्या होता है कि ट्रेजरी बिल्स होता है तो उसके बदले में जो है ट्रेजरी बिल्स को बेचा करता है, ज़्यादातर इसके जो कस्टमर होते हैं ये बैंक वाले कमर्शियल बैंक खरीदते हैं क्योंकि उसको पैसा दें तो इसके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो जो जब पैसा मार्केट में ज़्यादा होता है तो अपने खजाने से क्या करता है ये जो बिल बेटी करते हैं इसके सर्टिफिकेट के बदले में वो क्या करता है उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको पैसा ले लेता है, और जब मार्केट उल्टा कर लो जब 6 महीना बाद लगा तो मार्केट में स्टेबलाइज हो गया पैसा जो है तो उसे फिर जो है खरीद लिया करता है, जो है मान लीजिए 1,00,000 का जो है बॉन्ड या 1,00,000 का जो पेपर दिया था सर्टिफिकेट अब 1,00,000 उसको बोले पेपर लौटा दे 1,00,000 ले लो जो उसका इंटरेस्ट हुआ था 6 महीने का उसको मिल जाएगा, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन वैसे भी जो कंट्रोल किया था क्रेडिट कंट्रोल को ये सब जो है। अब हम आगे आगे बोल रहा था क्वालिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर बोला था सिलेक्टेड जो है सेक्टर के लिए क्वालिटेटिव मेजर लिया जाता है, पूरा इंटायर इकोनॉमी में ही लिया जाता है जिसमें लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट बोला कि जैसे जैसे इंडस्ट्री होती है उसी हिसाब से मार्जिन कम बेसी किया जाता है, सिक्योरिटीज को कम बेसी करके कंट्रोल किया जाता है, मोरल सिचुएशन में खास इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको इस सिचुएशन में कौन से एरिया में ज़्यादा लोन देना है इसमें नहीं देना है, वो सारे जो है कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है क्योंकि ये जो बैंक है और सारे सेंट्रल बैंक का बातें को फॉलो किया जाता है, तो ओके डेट्स ऑल थैंक यू।